दोस्तों मैं भाग के प्लेटफॉर्म पे आ गया हूँ। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे लगी हुई है हमारी ट्रेन। मेरे पीछे में आप देख रहे होंगे वो जो ट्रेन लगी है ना, वो डेरा बाबा नानक नहीं जाएगी, वो जाएगी कहीं और। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे ही हमारी ट्रेन लगी हुई है इस साइड। फ़िलहाल 2 मिनट बाकी है, टाइम से पहुँच गया हूँ। 4:12 पे होटल से चेकआउट किया है और 4:20 में हमारी ट्रेन का डिपार्चर है। 2 मिनट पानी पी लूँ फिर आपसे बात करता हूँ। दोस्तों पानी वगैरह मैंने ले लिया है, पानी की बॉटल और चिप्स वगैरह। पता नहीं वहाँ पे पानी का इंतज़ाम हो नहीं हो। और ट्रेन हमारी लगी हुई है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। ये ट्रेन हमें लेके जाएगी डेरा बाबा नानक तक। उसके बाद वहाँ चल के मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ चल के आगे का रास्ता कैसा है क्या है। दोस्तों ट्रेन हमारी निकल चुकी है अमृतसर जंक्शन से, 2 नंबर प्लेटफॉर्म से खुली है। मैंने ऑनलाइन टिकट ले लिया था इसका UTS के थ्रू। 35 रुपीज़ पर पर्सन की टिकट पड़ी। और अभी हुआ ही हूँ कि उठने में काफ़ी लेट हो गया था, इसलिए जो है ना मैंने जो होटल लिया था वो स्टेशन के ठीक बगल में। कल मैं जिस ट्रेन से आया था अमृतसर वो लेट हो गई थी, अमृतसर शताब्दी। तो 11 बजे हम पहुँचे अमृतसर। होटल हंट करते करते रात के 12 बज गए थे, सोते सोते 12:30। काफ़ी मुश्किल से एक तो सुबह नींद खुली और 4:12 पे हमने होटल से चेकआउट किया। स्टेशन के ठीक सामने में ही होटल ले लिया था मैंने, होटल माझा। 700 रुपीज़ उन्होंने लिया था 3-4 घंटे के लिए AC रूम का। और कैसे भी भाग के मैं आया प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। 8 मिनट के टाइम में ही मैंने ट्रेन बोर्ड किया। ट्रेन बिल्कुल 4:20 पे अमृतसर से डिपार्ट कर गई है। लगभग 6:30 बजे ट्रेन पहुँचाएगी हमें डेरा बाबा नानक। और फाइनली मैं ट्रेन पे बोर्ड कर गया हूँ दोस्तों, और हम और हमारी जर्नी पाकिस्तान की शुरू हो चुकी है इंडिया से। और जो भी था, भाग के आया या कुछ भी किया, फाइनली मैं ट्रेन में तो चढ़ गया हूँ। और जो एक्साइटमेंट है ना उसका तो अंदाज़ा ही नहीं है कि कितनी ज़्यादा मुझे एक्साइटमेंट हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान ट्रैवल कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं करतारपुर साहिब विज़िट करने जा रहा हूँ, जैसा आपको थंबनेल से देख के पता लगा होगा। फिर भी जो ये पाकिस्तान नाम है ना कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, यही आपको गूज़बम्स दिलाने के लिए काफ़ी है। दोस्तों हम पहुँच चुके हैं ट्रेन के पहले स्टॉप वेरका जंक्शन पे। यहाँ से मैं आपको बता दूँ कि 3 ट्रेनें आपको मिलेंगी डेरा बाबा नानक के लिए। एक तो ये ट्रेन जो कि 4:32 पे यहाँ पे अराइव हो चुकी है एकदम राइट टाइम से। दूसरी ट्रेन डिपार्ट करती है 9:40 और तीसरी ट्रेन शाम को 5:50 पे निकलती है वेरका से डेरा बाबा नानक के लिए। अगर आप अमृतसर से डेरा बाबा नानक जाते हैं ना, तो ये सिर्फ अकेली ट्रेन है जो कि अमृतसर से सुबह 4:20 पे निकलती है और आपको सुबह 5:50 पे डेरा बाबा नानक पहुँचाती है। बाकी यहाँ पर ट्रेन का 1 या 2 मिनट का ही हॉल्ट है। फटाफट अब चलते हैं वापस ट्रेन के अंदर। कोच मेरा थोड़ा पीछे है और बिल्कुल मैं टाइम से आया दोस्तों, बिल्कुल टाइम से आया। इससे थोड़ा भी लेट होता ना तो ट्रेन मेरी आज छूट गई होती और फिर मुझे बस से जाना पड़ता। खैर 35 रुपये की टिकट है, मैंने आपको बताया। वेरका से 2 ट्रेन और चलती है, इसलिए वेरका जंक्शन दिखाना इम्पॉर्टेंट था। अब ट्रेन के अंदर वापस चलते हैं और जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों हम निकल चुके हैं ट्रेन के लास्ट हॉल्ट से जो कि है रतड़ छतड़। और इसके बाद 5 किलोमीटर में हम होंगे डेरा बाबा नानक। और ट्रेन का इंटीरियर तो कुछ ऐसा है, और एक लोकल ट्रेन है दोस्तों, लोकल डेमू ट्रेन है। और अभी जब अमृतसर से ट्रेन चली थी तो थोड़े बहुत लोग थे, मतलब ट्रेन में तो भीड़ थी। अब ट्रेन ऑलमोस्ट हो चुकी है खाली और बस कुछ पलों में हम होंगे डेरा बाबा नानक, जो कि इंडिया का लास्ट रेलवे स्टेशन है पाकिस्तान बॉर्डर के जस्ट पहले।
तो दोस्तों ये है हमारा लास्ट रेलवे स्टेशन इंडिया का, डेरा बाबा नानक। और आगे आप देख सकते हैं ना, आगे ट्रेन नहीं जाती है, बस यहीं तक जाती है दोस्तों ट्रेन डेरा बाबा नानक। अब ये ट्रेन अभी आई थी 5:50 पे, टाइम था 6 बजे आई, अभी ट्रेन वापस जाएगी अमृतसर। और आप देख सकते हैं रेलवे स्टेशन पाकिस्तान के बिल्कुल हम पास में है दोस्तों, और इस साइड में ही हमको जाना है। एग्ज़िट करते हैं स्टेशन से, और शायद इस रास्ते पे मुझे जाना है इस साइड, या किसी से मैं पूछ लेता हूँ। बाकी ये है डेरा बाबा नानक रेलवे स्टेशन। दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पहुँचना कैसे है करतारपुर साहिब, पहुँचना कैसे, क्योंकि वो है पाकिस्तान में, तो क्या क्या चीज़ें, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी है आपके लिए। सबसे पहली जो चीज़ है वो है एक इंडियन पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, यानी कि आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर होने चाहिए। अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है तो आपको अप्लाई करना होगा करतारपुर कॉरिडोर के लिए लगभग 15 दिन पहले। मेरा सजेशन है कि आप 1 महीने पहले अप्लाई कर दीजिए, 20 दिन या 1 महीने पहले। प्रकाश पर्ब 550.mha.gov.in की वेबसाइट है। अगर आपको ना मिले तो आप गूगल पे लिखिए करतारपुर साहिब अप्लाई, आप वो लिखेंगे तो जो पहली वेबसाइट है आप उसके थ्रू अप्लाई कर दीजिए। पुलिस वेरिफिकेशन होती है, वैसे आपको अप्रूवल नहीं आता है, पुलिस वेरिफिकेशन होगी, उसमें 10-15 दिन का टाइम लग जाता है, उसके बाद आपको अप्रूवल आएगी। एक आपको ETA मिलेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेवल अथॉरिटी, एक पेज होगा, वो आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा कि आपको जो है अप्रूव हो गया करतारपुर साहिब। जैसे आपके पास ETA आ जाए आप पहुंच सकते हैं टर्मिनल, वहां पे आप इमिग्रेशन करिए और पाकिस्तान में आप जा सकते हैं। दोस्तों रेलवे स्टेशन हम निकल चुके हैं, आप देख सकते हैं कि रेलवे स्टेशन तो बिल्कुल सुनसान है। यहाँ पे जो लोकल्स हैं जिनके पास खुद की बाइक वगैरह है वो तो आ जा रहे हैं, पर हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है क्योंकि यहाँ से बस वगैरह कुछ मिल नहीं रही है फ़िलहाल। पीछे में जो है ना, इस रास्ते से ऐसे आके इस गांव आपको दिखेगा लेफ्ट साइड में, जहाँ से आप एग्ज़िट लेंगे उस गांव के रास्ते से हम आगे, मैंने पूछा भैया से तो उन्होंने बोला कि आप गांव के रास्ते से होके सीधा आप डेरा बाबा नानक चले जाएंगे, फिर वहां से टर्मिनल आप पहुंच जाएंगे। तो गांव के रास्ते से दोस्तों हम निकल पड़े हैं पैदल, कोई यहाँ पे कन्वीनियंस नहीं है जाने के लिए ऑटो बस वगैरह, तो अब गांव के रास्ते से हम सीधा जाते हैं, पहुँचते हैं डेरा बाबा नानक। देखते हैं कितने किलोमीटर है, 1.5 किलोमीटर तो अभी एक लोकल भैया मिले थे उन्होंने बताया, पैदल का रास्ता है कर लेंगे, फिर वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं कि आगे का क्या प्रोसीजर है। दोस्तों पीछे वाला ये रास्ता था, इस रास्ते से जो है ना आपको मतलब स्टेशन से आपको देखा जाए तो डायगोनली मतलब लेफ्ट की साइड जाना है ना, तो आप गांव के अंदर आ जाइए, जो आपको बगल में गांव देखेगी बस्ती उससे आप है ना लेफ्ट के साइड जाते रहिए। और अभी सुबह का टाइम है तो गुरुद्वारे से आवाज़ आ रही है, मैं तो वैसे उस आवाज़ को फॉलो कर रहा हूँ, गूगल मैप्स पे भी है ना रास्ता बता रहा है, आप गूगल मैप को भी फॉलो कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 1.5 से 2 किलोमीटर का रास्ता है यहाँ से, हम पैदल ही जा रहे हैं सुबह, कोई मतलब यहाँ से कुछ भी कन्वीनियंस नहीं मिला है, बस वगैरह, बाकी गांव-गांव से होके ही रास्ता जा रहा है पूरा। और 1.5 किलोमीटर तो कोई नहीं यार, सुबह का टाइम है, थोड़ी वॉकिंग भी हो जाएगी। तो वहाँ पहुँचते हैं डेरा बाबा नानक और देखते हैं कि फिर क्या होने वाला है आगे, कैसे क्या हम करने वाले हैं। इस रास्ते से हम पैदल चलते हुए लगभग 800 से 900 मीटर आए होंगे। अब बगल में हमें दिख रही है मेन रोड, तो मेन रोड की तरफ मैं जा रहा हूँ, ये पतला सा रास्ता मैंने देखा है घर के बगल से, तो इस रास्ते से मैं जा रहा हूँ मेन रोड पर। ये मैं आपको बता दूँ कि डेरा बाबा नानक और अमृतसर वाली ये रोड है जो सामने है, बस वगैरह भी मुझे दिखी थी, तो अभी रोड की तरफ जा रहा हूँ, कुछ खाने पीने का देखता हूँ। अब देखिए पीछे में बस जा रही है, कुछ खाने पीने का देखता हूँ, अगर शायद मिल जाए, चाय वगैरह मिल जाए, भूख बहुत तेज़ लग रही है। और दोस्तों यहाँ से अभी डेरा बाबा नानक 1 किलोमीटर दिखा रहे गूगल मैप्स पे, और गूगल मैप्स काम कर रहा है तो आप फॉलो कर सकते हैं। मेरे पास सिम एयरटेल का है तो नेटवर्क अच्छा रहा, बाकी नेट स्पीड है अभी यहाँ पर अच्छी चल रही है, तो गूगल मैप्स आप फॉलो कर लीजिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। रोड पर चलते हैं और फिर वहाँ से चलते हैं हम डेरा बाबा नानक। हम लोग आ चुके हैं इस मेन रोड पर और सामने लिखा हुआ है गुरुद्वारा दरबार साहिब, सीधा जाना है हमें, और बटाला के लिए राइट है। वेलकम टू पंजाब, पंजाब टूरिज्म।
दोस्तों फाइनली काफ़ी पैदल चलना पड़ा। आप ये मेक श्योर कर लीजिएगा कि आप कहीं ना कहीं से कुछ पब्लिक कन्वीनियंस ढूंढ लीजिए। कुछ नहीं मिला मेरे को क्योंकि सुबह का टाइम था, और शायद डेरा बाबा नानक जो गुरुद्वारा है ना वहाँ से बसेज वगैरह चलती हैं, पर सुबह का टाइम था तो मैं वो एक्सपेरिमेंट करने नहीं गया। और हम बिल्कुल पहुँच चुके हैं बॉर्डर के पास, मेरे ठीक पीछे है बॉर्डर टर्मिनल, और मैं यहाँ से मुझे पाकिस्तान का फ्लैग भी दिख रहा है। दोस्तों अब हम लोग ठीक पहुँच गए टर्मिनल पे, सामने आर्मी खड़ी है और मेरे हाथ में रेडी है मेरा पासपोर्ट और ETA जो कि है इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉरिटी। इसके बाद हम सामने चेक पोस्ट है उनको वो दिखा के अंदर ये टर्मिनल बना हुआ है और इस पे हमारा नेशनल फ्लैग अभी नहीं है, तो अंदर चलते हैं एक बार आर्मी को दिखा लेते हैं। और ये देखिए यहाँ पे जो रोड है ना सामने, ये हाईवे है, यहाँ पे आपको आने जाने के लिए कन्वीनियंस कुछ नहीं है। और दोस्तों यही है वो हाईवे जो कि आ रहा है आपको अमृतसर के साइड से डेरा बाबा नानक, तो इस साइड में है डेरा बाबा नानक और अमृतसर के साइड से सामने टर्मिनल बिल्डिंग। चलते हैं एंट्री लेते हैं भाई, धूप तो तेज़ हो चुकी है, अब सुबह के लगभग 8 बजने वाले हैं। दोस्तों आज डेट है 15 मई 2022। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ईटी और पासपोर्ट शो करने के बाद मैं अंदर क्यों नहीं गया, मैं बाहर क्यों जा रहा हूँ। मेरे साथ ट्रैवल कर रहा है दोस्तों अभिषेक, और मैं आपको बता दूं कि COVID-19 की जो है ना रिपोर्ट वो मैंडेटरी है RT-PCR की। अगर आपने 2 डोज लिया है, फुली वैक्सीनेटेड है, मैटर नहीं करता है, आपको कोविड की रिपोर्ट दिखानी ही पड़ेगी। मैंने कोविड की टेस्टिंग कल करा ली थी लेकिन अभिषेक के पास कोविड की जो है ना रिपोर्ट नहीं थी, तो अब हम जा रहे हैं दोस्तों आपको कोविड की टेस्टिंग कराने। मैं जा रहा हूँ अभिषेक के साथ, और डेरा बाबा नानक यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर है, वहाँ पे ही डेरा बाबा नानक गुरुद्वारा के पास में ही है सरकारी हॉस्पिटल, वहाँ पे 10 रुपये की स्लिप कटेगी, ऐसा बताया आर्मी के जवान ने, और हम वहीं जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि 10-15 मिनट में आपको रिपोर्ट वो दे देंगे, वहीं जा रहा हूँ मैं अभिषेक के साथ, एक बार उसकी रिपोर्ट ले लें फिर हम टर्मिनल के अंदर एंट्री लेते हैं। सुबह के 7:30 बज रहे हैं और स्टाफ लगभग 8, 8:30, 9 बजे तक आता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दोस्तों ये सामने में ही है आपको डेरा बाबा नानक, और ये रहा यहाँ का सरकारी हॉस्पिटल। इन्होंने 10 मिनट में कुछ ऐसी रिपोर्ट बना के दे दी है जिसमें नेगेटिव लिखा है, और अभिषेक की टेस्टिंग हो गई है। आप इसको बॉर्डर पे दिखा सकते हैं, नेगेटिव इस पे लिखा है। ये सामने रहा सरकारी हॉस्पिटल यहाँ का, 10 मिनट का ही टाइम लगा, बस ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 10 रुपये का मात्र टोकन कटा। तो फिर से हॉस्पिटल से नेगेटिव रिपोर्ट लेके अब वापस टर्मिनल की तरफ 2 किलोमीटर फिर से पैदल चलना होगा। दोस्तों देखते हैं किसी से लिफ्ट मिल गई तो ठीक है। दोस्तों पीछे ETA और पासपोर्ट और आधार कार्ड दिखाने के साथ ही एंट्री करने के साथ हम अब फाइनली आ चुके हैं चेक पॉइंट पार करके अंदर। अब मैं जा रहा हूँ टर्मिनल पे, गेट नंबर 1 से एंट्री लेने को बोली है हमें आर्मी के जवान ने। पीछे में जो गेट है यहाँ पे आपको एंट्री जो है ना, मतलब यहाँ पे सिक्योरिटी चेक होती है, और फिर इधर है आपका टर्मिनल। अभी मैं जा रहा हूँ टर्मिनल के अंदर, 1 नंबर गेट से उन्होंने बोला है एंट्री लेने के लिए, और यहाँ पे इतना सन्नाटा, इतनी शांति है ना यहाँ पे, मैं आपको क्या बताऊँ। सो फाइनली दोस्तों वे आर हियर एट दी टर्मिनल। सामने देख रहे हैं टर्मिनल की बिल्डिंग है, अपना नेशनल फ्लैग तो इस जो है ना पोल पे नहीं लहरा रहा है, और ये टर्मिनल की बिल्डिंग, आगे से आपको अंदर जाना है। यहाँ पे एक ATM भी दिख रहा है, SBI का ATM है, और ये रही पार्किंग। पार्किंग का तो काफ़ी बड़ा स्पेस है इधर, इधर पूरी पार्किंग ही पार्किंग का स्पेस। यहाँ पे फ़ोन में तो नेटवर्क आ रहे हैं पर इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, एयरटेल का जो मेरे पास सिम है इंटरनेट अब बंद हो गया है। तो अब और कुछ नहीं है, अब सीधे चलते हैं हम टर्मिनल के अंदर, देखते हैं वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होने वाली है हमारे साथ। उसके बाद जो भी चीज़ें अंदर होगी वो मैं आपको बताऊंगा। टर्मिनल में हम थोड़ा देर वेट करते हैं, देखते हैं शायद वहाँ पे इमिग्रेशन प्रोसेस होगा। टर्मिनल को क्रॉस करते हैं, देखते हैं कि उस पार क्या है टर्मिनल के। दोस्तों ये रहा हमारे पीछे श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर ICP डेरा बाबा नानक, ये है सेल्फी पॉइंट, यहाँ पे लिखा है देखिए सेल्फी पॉइंट LPAI ICP DBN यानी कि डेरा बाबा नानक, और यहाँ पे आप सेल्फी वगैरह लेने के बाद ये टर्मिनल दोस्तों काफ़ी सुंदर दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे आप सेल्फी वगैरह लेने के बाद सामने इमिग्रेशन गेट्स बने हुए हैं, गेट नंबर 2, गेट नंबर 1, और यहाँ पे गेट नंबर 2 शायद अभी खुला हुआ है, तो गेट नंबर 2 से एंट्री लेते हैं। पासपोर्ट और ETA आप अपना हाथ में रखिएगा।
दोस्तों वी आर फाइनली नाउ एट द बॉर्डर। आप देख सकते हैं कि ये सामने पाकिस्तान का झंडा, सामने पाकिस्तानी रेंजर्स और ये ज़ीरो लाइन। हम अभी इंडिया में हैं और ज़ीरो लाइन को पार करते ही ये है पाकिस्तान और सामने ही देख सकते हैं पाकिस्तान का नेशनल फ्लैग, वेलकम टू पाकिस्तान सामने लिखा है यहाँ पे, वेलकम टू पाकिस्तान। सामने ये जो बस आप देख रहे हैं ना, जो बस आ रही है अभी आपको दिखाई देगी, इस बस से ही हम जाने वाले हैं आगे करतारपुर तक पूरा। और सामने पाकिस्तानी आर्मी के जवान, पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस साइड में हमारा भारत, बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हम खड़े हैं और सामने आप देख सकते हैं बस एक कदम पे पाकिस्तान। अभी भारत में हम हैं, सफ़ेद लाइन जो कि डिफरेंशिएट करती है इंडिया और पाकिस्तान को, बॉर्डर। सामने पाकिस्तान आर्मी के मैंने आपको जवान दिखाया, सामने पीछे जो बस दिख रही है ना, यही हमें लेके जाएगी अंदर कॉरिडोर तक। तो चलिए चलते हैं, अब स्टेप इन करते हैं पाकिस्तान के अंदर और पहुंचते हैं हम पाकिस्तान में। फाइनली वेलकम टू पाकिस्तान, पाकिस्तान में हम घुस चुके हैं और अब हम जा रहे हैं जो इमिग्रेशन टर्मिनल है ना पाकिस्तान का, वहाँ जा रहे हैं। वो जो बस आ रही है ना पीछे, आप उस बस से भी आ सकते हैं, लेकिन मैं बस ना लेके मैं पैदल आया हूँ क्योंकि वेलकम टू पाकिस्तान और सारी चीज़ें मुझे एक्सपीरियंस करनी है। 100-200 मीटर पर ही है, मतलब 300-400 मीटर पर ही है पाकिस्तानी इमिग्रेशन टर्मिनल, पर मैंने सोचा बस ना लेके, पीछे बस आ रही है, बस ना लेके पैदल जाते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं यहाँ पे जो है ना पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान के चेक पोस्ट बने हुए हैं, हर जगह पे पाकिस्तान का झंडा। दोस्तों हम फाइनली पहुँच चुके हैं पाकिस्तान के इमिग्रेशन टर्मिनल पे। सामने आप देख सकते हैं हमारा हिंदुस्तान का, जहाँ पे हमने अभी ई रिक्शा छोड़ा था, ई रिक्शा कह सकते हैं या जो इनकी सर्विस है ई रिक्शा वाली, मतलब बैटरी कार वाली, उसने वहाँ पे छोड़ा था। वहाँ से बस से आप आ सकते हैं, लेकिन मैं आया वहाँ से पैदल पैदल चल के। और सामने है ना आपको वो डॉलर वगैरह, जो आपको सामने काउंटर दिख रहे हैं वहीं पे आपको डॉलर वगैरह सबमिट करने हैं और बाकी सारी चीज़ें होंगी वहाँ पे, करेंसी वगैरह कन्वर्ट करने के लिए सामने से होगा। तो एक बार वहाँ चलते हैं सामने में। पीछे वहाँ पे हमने अपनी 1,000 रुपीज़ इंडियन करेंसी को पाकिस्तानी में कन्वर्ट करवाया है, तो वो बने हैं 1,850 रुपये, यानी कि 1.85 का रेट है। बाकी यहाँ पे आपको पीछे $20 की फ़ीस जो है वो सबमिट करनी है, $20 की फ़ीस भी हमने सबमिट कर दी है। अब उन्होंने ऐसी एक रसीद दे दी है, इस पे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की है ये रसीद, और इस पे जो उन्होंने स्लिप दी है कि $20 हमने सबमिट किए हैं। अब सीधा चलते हैं अंदर इमिग्रेशन टर्मिनल के और वहाँ पे सारा प्रोसीजर करते हैं, उसके बाद बाहर निकलते हैं और हम चलते हैं गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब। दोस्तों इस टाइम हम हैं पाकिस्तान की इमिग्रेशन टर्मिनल में, मुझे मिले हैं सर जो कि इमिग्रेशन टर्मिनल के इंचार्ज है। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम शाद है। इनका नाम शाद है और काफ़ी टाइम से मेरी इनसे बात हो रही थी, तो मैंने सोचा कि इनसे थोड़ी सी कन्वर्सेशन आपको भी कैमरे पे दिखाई जाए, और काफ़ी मज़ा आ रहा है इनसे बात करके, काफ़ी सपोर्टिव है। इन्होंने हमसे पूछा, मैं अभी गया था वहाँ पर पानी पीने, उन्होंने मुझे नाम वगैरह पूछा, इन्होंने पूछा कि मतलब कैसे हैं क्या है, तभी हमारी जो है ना बातचीत शुरू हुई। सर आपसे बात करके वैसे मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और जो एक मेरा परसेप्शन था पाकिस्तान में आने से पहले कि यार एक डर था मन में कि कैसे ट्रीट करेंगे मुझे लोग वहाँ पे, क्या मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा, पर आपसे बात करके ना एक वो कॉन्फिडेंस आ गया मेरे अंदर, और मुझे लग रहा है कि हाँ मैं और एक्सप्लोर करूँगा और लोगों से मिलूँगा, बहुत अच्छा लग रहा है। इसके लिए तो बहुत थैंक यू। और यहाँ पे आप, मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों का काफ़ी ख्याल रखते हैं आप सारी चीज़ों का, ये भी देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है, जितने भी यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं ना दर्शन करने के लिए, मैं देख रहा हूँ कि आप जिस तरह से ख्याल रख रहे हैं वो काफ़ी अच्छा है। मतलब इसके लिए तो इंडिया की तरफ से बहुत बहुत थैंक यू आपको। इस चीज़ को एक्चुअली मैं इस पर ये कहना चाहूँगा कि ये जो कॉरिडोर है ना, ठीक है, ये एक पीस है, पीस की जगह, ठीक है। अब इस साइड से इंडियन आते हैं, उस साइड से पाकिस्तानी आते हैं, ठीक है, और लोग आके यहाँ पे मिलते हैं, और भाषा भी एक है, खाने भी एक हैं, ठीक है, बैठते हैं, खाने खाते हैं, बातचीत करते हैं, लोग फेसबुक पर उनको ऐड भी करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये होता है कि जब लोग वापस जाते हैं
हम लोग भी जब अक्सर हमारा जाना हो या हमारे एल्डर्स का या रिलेटिव का आउट ऑफ कंट्री, उनके माइंड में बहुत से क्वेश्चन होते हैं, बट जब वो चले जाते हैं वापस आते हैं तो वो डिफरेंट एक व्यूज़ लेके आते हैं, उधर के कॉस्ट क्या है, लिविंग कॉस्ट क्या है, उधर के लोगों का बिहेवियर्स क्या है, उधर फूड क्या है, उधर वेदर कैसा है, ठीक है, उधर लोगों का वे ऑफ टॉक क्या है। तो ये चीज़ें ओबलाइज करती हैं जो हमें लोग सुन रहे होते हैं। तो हम पाकिस्तान की तरफ से सब इंडिया वालों को, ठीक है, हम वेलकम करते हैं, आएँ, अपनी फैमिलीज़ के साथ आएँ, स्टूडेंट्स हैं अपने ट्रिप लेके आएँ, ठीक है, और ऑफिसेज़ वाले अपने कोलीग्स को लेके आएँ। जो हम देश इस पार लोग हैं, ये इस पार हैं, सिर्फ हम मोहब्बत करते हैं। दोस्तों, जैसा सर ने बताया, आगे बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, आगे हम बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं, मार्केट जाएंगे, वहाँ पे पाकिस्तानी लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, मतलब वीडियो में काफ़ी फन होने वाला है, तो आप वीडियो में बने रहिएगा और देखते हैं कि आगे हम क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं। थैंक यू। तो टर्मिनल से जैसे ही हम बाहर निकले ना, हमें मिला है ये आई कार्ड करतारपुर साहिब दरबार साहिब करतारपुर यात्री का, ये आई कार्ड है जो कि आपको पहनना पड़ेगा। और अंदर मैंने आपको अभी शाद मिस्टर शाद से बात कराई जो कि टर्मिनल इंचार्ज हैं। मज़ा आ गया दोस्तों बात करके, काफ़ी अच्छा लगा। मन में जो कुछ था ना, डिफरेंसेस थे, जो डिस्टेंस था वो कम हो चुका है अब, मतलब नो डाउट वो कम हो चुका है। और अब हम आगे इस बस से जाने वाले हैं दरबार साहिब तक, और ये बस आपको लेके जाएगी दरबार साहिब, एसी बस है और इस बस से हम जाएंगे। तो आई होप दोस्तों कि यहाँ तक आपने जो भी देखा वो आपको अच्छा लगा होगा, आपने इन्जॉय किया होगा। आगे ढेर सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं, तो वीडियो को मेक श्योर कि लाइक कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों हम आगे, देखते हैं कि हम आगे क्या क्या करने वाले हैं, और आप बने रहिएगा मेरे साथ।